हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं जहां पर जो मछली पालन के लिए गड्ढा बनाया जा रहा है, और आप देख सकते हैं यहां कितना बड़ा गड्ढा है और काफ़ी बड़ा है। अभी हम गड्ढे में बैठे हुए हैं, जो कि यहां पे जेसीबी के जरिए मिट्टी को खान कर बाहर किया गया है और गड्ढा बनाया गया है मछली पालन के लिए। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं काफ़ी लंबा है, और इधर भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा गहरा गड्ढा बनाया गया, जो देखने में काफ़ी डरावना सा लगता है। और जब इसमें पानी भरेगा तो काफ़ी ही ज़बरदस्त लगेगा, और इसमें जो है कि मछली पालन किया जाएगा। तो हम आपको दिखाते हैं कुछ नज़ारा, यहाँ का जो गड्ढा बनाया गया है वह कैसा है और देखने में भी कैसा लगता है। तो आपको बैक कैमरे से हम पूरा यहाँ का दीदार कराएंगे, और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। और जब इसमें मछली पालन किया जाएगा तो यह काफ़ी ही खूबसूरत लगेगा, और इसमें जो है कि पानी, जो कि पानी के जरिए इसमें पानी डाला जाएगा, और काफ़ी इसमें अभी पानी भी लगेगा, क्योंकि काफ़ी 20 से 25 फीट 30 फीट गहरा जो है गड्ढा जेसीबी के जरिए यहाँ पे खाना गया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से यहाँ का कुछ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि यह गड्ढा बनाया गया है जेसीबी के जरिए, और इसमें जो है कि मछली पालन किया जाएगा, और काफ़ी लंबा है। आप देख सकते हैं यह एक एकड़ में फैला हुआ है जिसमें मछली पालन किया जाएगा। और आपको हम दिखाते हैं यहाँ से कुछ, देख सकते हैं इस प्रकार का नज़ारा है। दूर दूर तक आपको देखते हैं गड्ढा नज़र आ रहा है, और काफ़ी गहरा है, 20 फीट 25 फीट गहरा किया गया है, जिसमें जो है कि मछली पालन किया जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ का कुछ नज़ारा, और इधर से आपको हम दिखाएं तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा गड्ढा लग रहा है, और इधर से मिट्टी देखिए खिसक रहा है, जो कि देखने में काफ़ी डरावना सा लगता है। और चलिए हम आपको पास से दिखाते हैं, तो देखिए यहाँ का जो है कि मिट्टी काफ़ी करारी भरा है, और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का यहाँ पे दरार बना हुआ है, और इधर भी काफ़ी लंबी चौड़ी है, देख सकते हैं जो कि गड्ढा बना है, काफ़ी लंबा है, देखने में भी डरावना सा लगता है। और इसमें जब पानी भर के मछली पालन किया जाएगा, और काफ़ी देख सकते हैं आपको यहाँ से कुछ इस प्रकार दिखता है यह गड्ढा, जो कि काफ़ी डरावना सा भी बना हुआ है गाइस। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलेंगे कल एक और नए ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।